हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एहसन, आज हम आ चुके हैं दोस्तों कल्याणपुर यूनिटी सिटी कॉलोनी में। आपको 1200 स्क्वायर फुट में बना 2 BHK लग्जरी मकान दोस्तों विजिट कराने के लिए, जिसकी लोकेशन बहुत प्राइम है। दोस्तों, अगर हम बात करें टेढ़ी पुलिया के चौराहे से दोस्तों, तो वहाँ से मान के चलिए मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कुर्सी रोड पहाड़पुर तिराहे से दोस्तों मात्र 700 मीटर की दूरी पर दोस्तों हम आपको मकान दिखाने आए हैं। दोस्तों, पूरा फेस का ये मकान है, पूरा फेस जो सबसे अच्छा माना जाता है, तो पूरा फेस का मकान है और सामने की रोड दोस्तों आपको मिल जाती है 25 फीट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं RCC वाली रोड, बढ़िया रोड बनी हुई है। और अगर हम अगर बगल की लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इस साइड में कितने बढ़िया अच्छे और यहाँ पे बड़े बड़े मकान बने हैं, 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट हैं। मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लोग यहाँ पे रहते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसके बाद यहाँ पे कितना स्पेस है। अगर एक कार मान ली इस तरफ भी खड़ी हो जाती, उसके बाद भी एक कार जो है आराम से 20 से निकल जाएगी दोस्तों। 25 फीट रोड का जो है यही फायदा होता है। इस तरफ की लोकेशन देखिए, तब मकान लाइन से बने दोस्तों, प्लाट आपको खाली नहीं दिखेगा, लाइन से जो है मकान बने हुए हैं। दो मकान दोस्तों यहाँ पे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 1200 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं दोस्तों। 2 BHK मकान है, पूरा फेस है। मकान का रेट हम आपको अभी से बता देते हैं दोस्तों, लग्जरी मकान है दोस्तों, 65 लाख रुपये में ये आपको मिल जाएगा। मेन रोड से अगर हम बात करें यूनिटी सिटी चौराहे से दोस्तों, वहाँ से मान के चलिए मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस पे देखा जाए तो एक हिसाब से जो है आपकी वॉकिंग डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सुविधाओं की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्कूल मिल जाएंगे। अगर हम रिंग रोड पे दोस्तों चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको जगरानी हॉस्पिटल है, उसके पास में एक और हॉस्पिटल है। स्कूल की बात करें तो कुर्सी रोड पे भी यहाँ पे काफ़ी स्कूल है दोस्तों, आपको पता होगा। उसके बाद सबसे पहले आप देख लीजिए मकान का फ्रंट एलिवेशन, जो है इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा गेट लगा हुआ है, रैंप बना हुआ है। अगर हम रोड से इस मकान की हाइट की बात करें तो कम से कम मान के चलिए 2 फीट जो है रोड से हाइट है। सीवर दोस्तों पूरे में यहाँ पे सीवर पड़े हुए हैं, नाली बिल्कुल चालू कंडीशन में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नाली है, सीवर है, रोड बनी हुई है, पूरे में जो है बिजली का तार दोस्तों दौड़ रहे हैं। मतलब जैसा इंसान एक मकान चाहता है कि हमको फुल डेवलप एरिया में मकान मिले, ये ना हो कि यहाँ पे ये होगा वो होगा, रोड बनेगी, सीवर पड़ेंगे, वैसा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी हैं। अब आ जाते हैं मकान के अंदर दोस्तों। वीडियो में जो है आप हमारे साथ रुके रहिएगा, तब कॉल करिएगा, क्योंकि मकान दोस्तों बहुत अच्छा है, लग्जरी है। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद कॉल करिए, ताकि अगर आपको मान लीजिए मकान लेना है तो मकान से जुड़ी सारी डिटेल आपको पहले ही मिल चुकी हो दोस्तों। सबसे बड़ा यहाँ पे आपको एक पोर्च मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा पोर्च है। जैसे कि 1200 स्क्वायर फीट मकान है, 20 आपको फ्रंट मिल रहा है, 60 जो है आपको इसकी गहराई मिल रही है, तो उसी हिसाब से आपको पोर्च भी मिल रहा है दोस्तों। काफ़ी बड़ा पोर्च है, इसमें मान के चलिए इस टाइम जो भी सबसे बड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ी जो चल रही है, जैसे कि फॉर्चुनर की बात कर लेते हैं, फॉर्चुनर गाड़ी भी इसके अंदर जो है ईजिली खड़ी हो जाएगी, इनोवा भी आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। मान लिया अगर इसमें आपका बेनिफिट ये है, क्योंकि सामने आपको रोड मिल रही है 25 फीट की, मान लिया बाई चांस अगर आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं दोस्तों, एक बड़ी से बड़ी गाड़ी आपके अंदर खड़ी हो जाएगी, एक गाड़ी जो है आप आराम से बाहर खड़ी कर सकते हैं। और इस साइड में मिल जाता है आपको दोस्तों एक लॉन, ये आपको वाइड लॉन मिला है, लगभग 3.5 फीट से 4.25 फीट का मिला जा रहा है। इसमें आपके दोस्तों 2 बाइकें खड़ी हो सकती है, एक आगे और एक पीछे करके, 2 आपकी जो है इसमें 2 व्हीलर, 1 4 व्हीलर इधर और 1 आपकी 4 व्हीलर जो है बाहर। उसके बाद आप जो है इसकी पोर्च के ऊपर की छत की देख लीजिए, इसमें दोस्तों बहुत बेहतरीन आपको फॉल सीलिंग बना के दी जा रही है, और पूरे में जो है यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ पे चिमनी लगी हुई है, और समर सिबुल का जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पे बाहर मिल जाता है। और ये जो है पूरा पैक है, ये आपको पूरा पैक मिलता है दोस्तों। 2 एंट्री मिल जाती है आपको, एक ये और एक ये, दोनों एंट्री में आपको 2 डोर मिल रहे हैं, दोनों मॉस्किटो नेट वाले, एक जो है नॉर्मल डोर। तो आइए हम लोग इस तरफ से एंट्री करते हैं। तो ये जो है इस मकान का है ड्राॅइंग रूम, देख सकते हैं इसकी आप छत देख लीजिए, पूरे मकान की छत पर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग के अंदर जो है लाइटें भी लगी होंगी, लाइट लगने से दोस्तों काफ़ी और खूबसूरत लगने लगता है। उसके बाद इस साइड में आपको मिल जाता है टीवी पैनल भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा बना हुआ है, इसके अंदर भी जो है लाइटें लगी हैं दोस्तों। लाइटें लगने से आपको पता चल रहा होगा कि मकान जो है कितना खूबसूरत है। यहाँ पे आपको स्विच सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे टीवी लगेगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्विच सॉकेट दोस्तों। उसके बाद इस साइड में जो है आपको एक विंडो भी मिल जाती है, विंडो की साइज़ की बात करें कम से कम 4x6 जो है आपको विंडो का साइज़ मिलता है, ये चीज़ आपको 6 मिल जाती है। विंडो एसी आपको लगाना है तो स्प्लिट जो है आप कहीं भी लगा सकते हैं, विंडो एसी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिल जाता है विंडो एसी का। और यहाँ पे आपको MCB और सॉकेट मिल जाता है। अब पूरे मकान में दोस्तों अगर हम टाइल्स की बात करें, 2x2 के वाइट कलर के जो है इसमें टाइल्स लगे हुए हैं, जो कि हैं काफ़ी खूबसूरत।
और सबसे बड़ी बात, मकान जो है दोस्तों यह है बिल्कुल कंप्लीट रेडी टू मूव। तुरंत आप आइए, तुरंत रजिस्ट्री कराइए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। लोन सुविधा दोस्तों यहाँ पे उपलब्ध है, मान के चलिए 80 से 85 या 90% लोन हो जाएगा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो दोस्तों। बाकी कोई और दिक्कत है तो आप फोन करके बात कर लीजिएगा। तो मान के चलिए तुरंत आपका 15 दिन के अंदर लोन हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आके शिफ्ट हो सकते हैं। फॉल्सलिंग ऊपर के एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉल्सलिंग है और यहाँ टीवी पैनल में भी आपको लाइटें लगा के दी जा रही हैं। उसके बाद इस साइड मिल जाता है आपको डाइनिंग स्पेस, उधर हो गया आपका ड्राइंग रूम, ये हो गया यहाँ तक का आपका डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस का साइज दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा मिल रहा है, मान के चलिए कम से कम 12 जो है आपको इसकी चौड़ाई मिली जा रही है, 12 चौड़ाई मिल रही है। तो इसमें मान के चलिए 8 सीटर से लेकर 10 सीटर जो है डाइनिंग टेबल आपकी बहुत ईजिली यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये है कि अगर आपकी बड़ी फैमिली भी है तो डाइनिंग टेबल यहाँ पे आराम से आ जाएगी, आप लोग बैठ के यहाँ पे जो है खाना खा सकते हैं। उसके बाद डाइनिंग एरिया की छत पे देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे फॉल सीलिंग बनी हुई है। जैसा कि मैंने बताया लग्जरी मकान है तो आपको देखने में भी लग रहा होगा पूरे मकान में फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग अंदर लाइटें लगी हैं, पूरे मकान में जो है यहाँ पे पेंट हो चुका है। और ये आपको मिल जाता है OTS स्पेस, ओपन OTS दोस्तों ये है। इस OTS से दोस्तों आपको ड्राइंग रूम में, डाइनिंग एरिया में और बेडरूम में, किचन में भी वेंटिलेशन मिलता रहेगा। और वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको वहाँ पे विंडो भी मिल जाती है, मॉस्किटो नेट वाले आपको डोर भी मिल रहे हैं और किचन में आपको एक विंडो भी मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको वॉश बेसिन लगा के दिया जा रहा है, यहाँ पे खाना खाइए, यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ऊपर तक मान के चलिए कम से कम 6 फीट तक यहाँ पे टाइल्स का वर्क भी किया गया है। इसके ऊपर जाल है और जाल जो है पहले से टीन से कवर है, बहुत जगह कवर नहीं रहता है, लोग कहते हैं कि कवर करके देंगे कि नहीं देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हैं। वॉशिंग मशीन की बात करें दोस्तों तो इसी एरिए में आपकी वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी अगर आप रखना चाहते हैं तो। और यहाँ पे एक टोटी भी लगा के दी जा रही जो कि वॉशिंग मशीन ही वाली टोटी लगा दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन आ सकती है। उसके बाद दोस्तों इस साइड में मिल रहा है आपको एक काफ़ी बड़ा मॉड्यूलर किचन। इसके साइज़ की बात करें 12 तो आपको ये ऐसे मिला जा रहा है, 6 फीट जो है आपको ये चौड़ा मिला जा रहा है जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी रैके बनी है दोस्तों इसके अंदर, देख सकते काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रैके, कोई भी सामान आपका जो है इजिली इसके अंदर आ सकता है। चिमनी भी आपको इसमें लगा के दी जा रही है और चिमनी भी पहले से लगी हुई है, बहुत जगह लगी नहीं रही थी, कहते चिमनी लगा के देंगे तो थोड़ा सा क्लाइंट को जो है थोड़ा सा वो रहता है, पता नहीं लगाए कि ना लगाए, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जो है कंप्लीट है। यहाँ पे चिमनी लगी है, इसको खोल के हम आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप की बास्केटें हैं। देखिए हर टाइप की जो जो ज़रूरत होती है एक मॉडुलर किचन में, हर तरह की जो है इसके अंदर आपको बास्केटें लगा के दी जा रही हैं। दो मकान है दोस्तों जस्ट अगल बगल में, बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं उनके फ़ोन आते हैं कि हमको दो मकान चाहिए जस्ट अगल बगल में, जैसे दो भाइयों को लेना हो या दो कोई दोस्त हैं उनको लेना हो, तो यहाँ पे दो मकान है दोस्तों, दोनों मकान अवेलेबल हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई रिक्वायरमेंट है कि दो मकान चाहिए तो जल्दी जल्दी कॉल करके यहाँ पे आके आप मकान ले सकते हैं। तो ये हो गई किचन की बात। यहाँ पे आपको मिल जाती है दोस्तों एक विंडो, इसमें भी मॉस्किटो नेट लगा हुआ है, वेंटिलेशन और रोशनी जो है आपको यहाँ से भी मिलती रहेगी। इस साइड मिल जाता है आपको सिंक, यहाँ पे सिंक लगा है चौकोर शेप वाला, पूरे में जो है टोटी सारी चीज़ें जो है इसमें कंप्लीट है। उसके बाद ये हो गया आपका किचन। फ्रिज आपको रखना है दोस्तों तो इस यहाँ पे भी फ्रिज रख सकते हैं, स्विच सॉकेट लगा है, नहीं तो फ्रिज आपके लिए ये स्पेस ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे आपकी फ्रिज आ जाएगी, यहाँ पे एक स्विच सॉकेट भी लगा दिया गया है फ्रिज के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं और ऊपर आपको मिल जाएगी सिर्फ ममटी, 1 बेडरूम आपको ये मिलता है, ये दिखा दें। और सबसे अच्छी बात दोनों बेडरूम में अटैच आपको मिल रही है वार्डरोब, और वार्डरोब जो है ये वुडन की नहीं बनी हुई है दोस्तों, जैसे रेडीमेड वाली वार्डरोब होती है लोहे की, वैसे ही वार्डरोब जो है इसके अंदर फिक्स करा दी गई है, ये देख सकते हैं गोदरेज की है, ये देखिए जो रेडीमेड होती वही वाली है, बस ये इसके अंदर जो है फिट है, देख सकते हैं इसमें पूरा जो है सब लोहे का काम किया गया है, पूरे में पेंट है। एक आपको जो है इसमें लॉकर भी दिया जा रहा है, खुल नहीं रहा है, ये हो गया लॉकर। और डबल वाली वार्डरोब आपको मिल रही है कि ये और एक ये डबल एक सिंगल, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों मकान ये बहुत खूबसूरत है, सारी सुविधाएं, सबसे अच्छी बात ये है कि लोकेशन बहुत अच्छी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चों को स्कूल जाना है, वैन आपकी पूरी घर के बाहर तक आएगी, CMS और RLB कोई भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं आराम से आप। यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी बड़ा OTS। इस OTS की हम साइज़ की बात करें, मान के चलिए कम से कम 6x6.5 का जो है आपको ये OTS मिल रहा है। अगर आपको वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 टोटी आपको मिल जाती है, 1 नाली मिल जाती है, ऊपर काफ़ी बड़ा जाल है जो कि पहले से टीन से कवर है। और ये आपको 1 बेडरूम की विंडो ये है, ये विंडो खोल लेंगे, इसी OTS से आपको इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन मिलेगा और इसमें भी आपको मिलता रहेगा। और फॉल सीलिंग जो है इसके ऊपर भी देख लीजिए, फॉल सीलिंग आपको
इस मकान में हर जगह जो है आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगी और पेंट भी हो चुका है, पेंट भी काफ़ी खूबसूरत हुआ है, फॉल सीलिंग से मैचिंग का जो है इस पर पेंट हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब हम दिखाते हैं आपको एक कॉमन वॉशरूम। ये है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ बहुत अच्छा साइज है, 5 फीट आपको चौड़ाई मिली और 7 फीट जो है आपको इसकी लंबाई मिली, 5x7 जो कि काफ़ी बढ़िया। इंडियन सीट आपको इसमें लगा के दी जा रही है, एक वॉश बेसिन आपको यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। 6-7 फीट की हाइट तक मान के चलिए इसमें टाइल्स लगे हैं, ऊपर एक लाइट भी लगा के दी जा रही है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो भी दी, इसको खोल लेंगे तो यहाँ से वेंटिलेशन भी आपको मिलता रहेगा। उसके बाद ये आपको गली मिलती है, लगभग 3 फीट की आपको गली मिल जाती है इस बेडरूम में जाने के लिए और ये इसके ऊपर की छत है। एक बेडरूम जो है आपको ये मिलता है, उससे बड़ा बेडरूम है दोस्तों ये, उससे बड़ा बेडरूम है। हम बात करें कम से कम 14x14 का जो है आपको ये बेडरूम मिलता है, ये चीज़ 14 और ये भी चीज़ 14, पूरे मकान में एक जैसे टाइल्स लगे हैं। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, सब जगह जो है अलग अलग डिज़ाइन की फॉल सीलिंग हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और पेंट भी आपको सब जगह अलग अलग कलर का मिल जाएगा। वार्डरोब जो है इसमें भी बनी हुई है, देख सकते हैं पूरी डबल वाली इधर बनी है और ऊपर भी आपको जो है वार्डरोब बना के दी जा रही है, मतलब कोई भी सामान रखना हो आराम से आप इसमें रख सकते हैं, आपको अपनी वार्डरोब लाने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड में आपको काफ़ी बड़ी विंडो मिलती है, इस विंडो का साइज़ मान के चले तो कम से कम 5.5x6 जो है आपको इस विंडो का साइज़ मिल रहा है। इसमें मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ है, देख सकते हैं इसमें मॉस्किटो नेट लगा है, मच्छर आपके नहीं आएंगे, वेंटिलेशन और रोशनी मिलेगी। एक अटैच वॉशरूम आपको ये मिल जाता है क्योंकि ये है मास्टर बेडरूम। इसका साइज़ की बात करें तो बहुत बेहतरीन साइज़ है, बिल्कुल चौकोर शेप में दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा, कम से कम 6x6.5 का आपको ये मिल रहा है, ये चीज़ 6.5, ये चीज़ 6। वेस्टर्न सीट इसमें लगी है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सीट मानी जाती है, दीवार में जो अटैच रहती है वाली सीट इसमें लगी है। एक वॉश बेसिन भी आपको इसमें मिल जाता है, काफ़ी ऊपर तक टाइल्स हैं, शावर लगे हैं, टोटियाँ लगी हैं, यहाँ पे छोटी सी वुडन की एक अलमारी भी बना दी गई शैम्पू शैम्पू और साबुन रखने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक विंडो भी मिल जाती है, इसके पीछे जो है OTS है, वहाँ से वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा। और फॉल सीलिंग इसके ऊपर एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, पूरा मकान कॉलम बेस पे बना है और काफ़ी खूबसूरत मकान बना है, जैसे कि आप पूरा मकान देख चुके हैं दोस्तों। लोकेशन बहुत प्राइम है, 25 फीट रोड पे मिल रहा है, पूरा फेस का मिल रहा है, सारे जो हैं प्लस पॉइंट हैं। मेन रोड से मान के चलिए यूनिटी सिटी चौराहे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे, पूरा फेस 25 फीट रोड, लग्जरी हाउस 1200 स्क्वायर फिट में, जिसमें आपकी कम से कम 2 कारें बहुत ईजिली खड़ी हो जाएंगी, एक बाहर एक अंदर, और 2 2-व्हीलर आपकी खड़ी हो जाएंगी। इस मकान के रेट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, इसके जो रेट है दोस्तों वो है मात्र 65 लाख रुपए। आइए आपको ऊपर से चल के दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको जीने मिल जाते हैं, लगभग 3.5 फीट के स्टील वाली रेलिंग आपको मिल जाती है। मान लिया अगर आपको इस मकान पे लोन कराना है दोस्तों, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो है कहीं जाना नहीं है, आप इस मकान पे आइए, अगर अच्छा लगे तो आप टोकन दे दीजिए, पेपर चेक करवा लीजिए दोस्तों। लोन की जिम्मेदारी बिल्डर की, बिल्डर जो है आपको पूरा लोन करा के देगा। ये आपको ममटी स्पेस मिलता है दोस्तों 3 फीट का, यहाँ पे अपने आप कोई सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपके दोस्तों विंडो मिल जाती है, ये खुलने वाली विंडो है, इसमें कुंडी भी लगी है, खुल भी जाएगी, रोशनी वेंटिलेशन दोनों मिलेगा। और ये दरवाज़ा है लोहे का, और ये दोस्तों इसकी जो है फ्रंट है, फ्रंट में जो है आपको स्टील वाली रेलिंग लगा के दी गई है जो कि टफन ग्लास से ज़्यादा मजबूत होती है। और ये लोकेशन है, देख सकते हैं सब तरफ घर के सामने मकान बने हैं और सारे मकान दोस्तों बड़े और अच्छे बने हुए हैं। रोड देख सकते हैं कितनी चौड़ी, यहाँ पे आपको रोड मिल रही है, पूरे में प्रॉपर सीवर पड़े हैं, नाली पूरी चालू कंडीशन में, मतलब एक अच्छी एक स्टैंडर्ड सोसाइटी है। ये जो है इसकी पीछे की छत है, एक मकान ये है और एक ये है। यहाँ पे देखिए पूरा कॉलम बेस पे मकान है, कॉलम निकले हुए हैं, ऊपर आपको 500 लीटर की टंकी है और ये पीछे से भी, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक पानी की टंकी भी है। ये पीछे की लोकेशन है, ये एक प्लाट छोड़ के जो है पीछे फिर रोड है, पीछे की लोकेशन देख लीजिए, सब बढ़िया बढ़िया एक से एक बड़े बड़े लग्जरी मकान जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने इस मकान से जुड़ी जो है सारी डिटेल आपको दे दी है, मकान के रेट भी आपको बता दिए हैं 65 लाख में आपको ये मकान मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको विजिट करना है तो उसके लिए नीचे नंबर दिया गया है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में दोस्तों आप अगर अभी तक रुके हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।